हम आपको सीधे लिए चलते हैं गांधीनगर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई के घर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांधीनगर में कई लोग अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री आज सवेरे ही 100 वर्ष की आयु की उनकी माँ जी हीराबा का निधन हो गया था। प्रधानमंत्री ने और उनके भाइयों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद प्रधानमंत्री एक बंगाल में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन था, उस आयोजन में भी शामिल हुए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री इन तस्वीरों में अपने भाई पंकज मोदी के घर पहुंचते हुए। मेरी सहयोगी गोपी मनियार हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोपी, प्रधानमंत्री अपनी माँ के प्रति भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन कर रहे हैं और भारत माँ के प्रति भी, दोनों ही काम उनका चल रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जो जिम्मेदारी है, ये दोनों ही जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने आज निभाई। सुबह मुखाग्नि देते हुए एक बेटे की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, तो साथ ही उसके तुरंत बाद एक प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्र के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने दिखाई। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है उसको निभाने के बाद एक बार फिर अपने जो छोटे भाई है पंकज मोदी, जिनके साथ उनकी माताजी रहती थी, वहां पे उनके घर पर पहुंचे हुए। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं प्रधानमंत्री बेहद दुखी दिख रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ उनका सबसे ज्यादा कनेक्शन था, जो जिसके लिए वो कई बार अक्सर वो गांधीनगर में आया करते थे और जिनके लिए वो यहाँ पे कई बार हमें देखते थे, कि क्योंकि हमेशा जब वो संघ में भी थे। आज शंकर सिंह वाघेला से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो शंकर सिंह वाघेला भी यही चीज कह रहे थे कि भले ही वो संघ में थे, परिवार को छोड़ चुके थे, लेकिन अपनी माँ को लेकर वो हमेशा उनको मिलने के लिए जाते थे। और उनकी माताजी भी हम सभी लोगों को इतने ही प्यार से वो बुलाती थी, इतने ही प्यार से जब हम जाते थे तो हमें पूछते थे कि खाना खाया, अगर नहीं खाया है तो पहले खा लो। तो ये शब्द जो थे, ये प्रधानमंत्री हीराबा के जो शब्द रहते थे, ये हीराबा के जो शब्द है वो उनके जरिए कहे गए थे। और शंकर सिंह वाघेला भी आज काफी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर दोनों ही एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन जब हीराबा की बात आई तो अपने राजनीतिक दुश्मनी भी छोड़कर दोनों वहीं पर सामने आमने सामने वहां हमें दिखाई दिए थे। और देखिए काफी भावुक, आज सुबह जब ये पहली बार जो खबर हमें मिली कि हीराबा अब नहीं रहे, वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है वो भी बेहद दिलचस्प है गौरव, क्योंकि जिस तरीके से हीराबा ने अपना जीवन जिया है, जो संस्कार परिवार को दिए है, वही संस्कार की बात जो है वो प्रधानमंत्री के जरिए भी की गई। और वही चीजें हैं जो उनको हीराबा के साथ, क्योंकि हीराबा को लेकर उन्होंने बेहद संघर्ष किया, बेहद संघर्ष के साथ अपने बच्चों को बड़ा किया, और वो संघर्ष का जिक्र करते प्रधानमंत्री कभी नहीं अटकते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि मेरी माँ ने भले ही लोगों के घर के बर्तन मांजे, लेकिन अपने बेटों को बड़ा किया, अपने बेटों को वो संस्कार दिए, जो संस्कार जो भारतीयता के संस्कार है, जो राष्ट्र के लिए संस्कार है, और साथ ही एक अच्छे इंसान बनने के जो संस्कार है वो संस्कार उनके जरिए दिए गए। और आप देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं, सोमा भाई मोदी जो उनके सबसे बड़े भाई है वो भी यहाँ पे मौजूद है, पंकज भाई मोदी जो सबसे छोटे भाई है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और अगर प्रार्थना सभा की बात की जाए गौरव, तो जो जानकारी पंकज भाई मोदी के जरिए दी गई है उसके मुताबिक वर्ण नगर में रविवार को ये प्रार्थना सभा होगी। 10 से 2 के बीच का जो वक्त है वो प्रार्थना सभा के लिए तय किया गया। और वर्ण नगर जो उनका पैतृक गांव है, जहां पे कई साल जिंदगी के करीब कहेंगे कि जिंदगी के 28 जिंदगी के 45 साल से ज्यादा का जो वक्त है जी, वो उन्होंने वहां पे बिताया है। और तो प्रधानमंत्री ने उसके बारे में लिखा भी है कि कितना कठिन उनका जीवन था वहां। जी गोपी, कितना कठिन उनका जीवन था और उसके बावजूद हर विषम परिस्थिति का सामना करते हुए एक ईश्वर में उनकी आस्था और दूसरा समाज में किस तरह से लोगों की मदद करनी है या जैसे गुरुओं का किस तरह से सम्मान करना है, ये शिक्षा लगातार वो प्रधानमंत्री को देती रही थी।